Good evening and family. I am Shivani. I am back with another energetic article and I would say article on social issues because ये एक मेरा favorite genre है जहाँ पे मुझे लगता है कि हम सबको इन सब चीजों के बारे में aware भी होना चाहिए और इन सब से सीखना भी चाहिए. So ये article आज है POSCO और child abuse के बारे में और इस दिशा में हम female और हम कहना चाहिए motherhood और mothers का कितना role है उसके बारे में इस article से हम समझेंगे. So, इसका हेडलाइन है हाउ मदर्स हैव लेड बैटल टू सिक्योर जस्टिस फॉर अब्यूज चाइल्ड. सो अब्यूज का तो हम समझते ही हैं, अब्यूज का शोषण जिनका होता है उनको अब्यूज वर्ड यूज किया जाता है, शोषण हो चुका जिन बच्चों का. तो इस आर्टिकल कह रहा है हाउ मदर्स, कैसे माओ ने हैव लेड आगे बढ़ करके लीड लेड बैटल और जो ये लड़ाई है इसको आगे बढ़ चढ़ के टू सिक्योर जस्टिस लड़ा है टू सिक्योर जस्टिस फॉर अब्यूज चाइल्ड. इसके बारे में हम समझेंगे. 10 ईयर्स ऑफ POSCO एट टाइम्स हैव हैड टू फाइट ओन फैमिलीज. और एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमको अपने ही फैमिली, मतलब ये POSCO के डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है, एट टाइम्स हैव हैड टू फाइट ओन फैमिलीज, अपने ही परिवार के सदस्यों से भी कभी कभी लड़ाई लड़नी पड़ती है और उसमें माएं कैसे रोल निभा रही हैं उसके बारे में ये आर्टिकल आई समझते हैं. सो न्यू दिल्ली टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है विद द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012. ये POSCO का फुल फॉर्म है, जो जिनको नहीं पता वो इसको समझ सकते हैं. प्रोटेक्शन of Children from Sexual Offences Act 2012, completing a decade in November this year, a qualitative analysis of 498 cases from Delhi shows many mothers at the forefront of the battle for justice for child at the cost sometimes of even having to fight their own families. क्योंकि 10 साल POSCO को पूरे हो चुके हैं तो एक data analysis तो बनती ही है, क्योंकि इसके चलते बहुत सारे cases को हमने समझा, news में पढ़ा, media में पढ़ते रहते हैं, तो 10 साल का जो data है उसके हिसाब से एनालिसिस करी है. और इसमें 498 केसेस में देखा गया है कि जो माएं होती हैं, जो माँ है फोरफ्रंट सामने आकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी जस्टिस के लिए और अपने बच्चों जस्टिस फॉर देयर चाइल्ड, अपने बच्चों को जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए एट द कॉस्ट क्या पे करी इन्होंने, समटाइम्स ऑफ इवन हैविंग टू फाइट देयर ओन फैमिली, अपने परिवार के सदस्यों से भी लड़ना पड़ा. यहाँ पे हमने उन केसेस को समझा जहां पे कोई अब्यूज हुआ था, जो पिता ने किया, भाई ने किया या किसी फैमिली मेंबर ने किया, वहां भी आकर भी जो माएं हैं उन्होंने काफी अच्छा रोल निभाया है और आगे बढ़ चढ़ के इस लड़ाई को लड़ा है. इन केसेस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज बाय द फादर, से मैंने कहा बाय द फादर, सेवरल मदर्स हैव टेकन द लीड इन रिपोर्टिंग द क्राइम एंड सम हैव मस्टर्ड, मतलब कलेक्ट करना, इसका मस्टर्ड द करेज, करेज इसको कलेक्ट करके, करेज को इकट्ठा करके, जोड़ बटोर के, टू फाइल द कंप्लेंट एंड परस्यू द केस इन द कोर्ट. ये बहुत मुश्किल होता है कि जब आपके परिवार का ही कोई सदस्य हो उससे आपको लड़ना पड़े अपने बच्चे के जस्टिस के लिए, वो भी हमारे देश की माओ ने किया. द एनालिसिस बाय वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन HAQ सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स ड्वेल्स ऑन द ट्रेजेक्टरी ऑफ ट्रायल इन केसेस हैंडल बाय देयर टीम ओवर 10 ईयर्स इन दिल्ली. ये जो एनालिसिस है वो HAQ करके एक संस्था है, सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स ड्वेल्स ऑन द ट्रेजेक्टरी ऑफ ट्रायल इन केसेस हैंडल, जिन्होंने केस हैंडल किए हैं इनकी टीम ने 10 सालों में दिल्ली में उस डेटा के हिसाब से है. वाइल इन 43% 214 केसेस में पर्टेनिंग टू वेरियस सेक्शंस ऑफ POSCO एट द चिल्ड्रन फाइल द कंप्लेंट विद पुलिस, मदर्स वर द कंप्लेनेंट्स इन 170 केसेस. उन्होंने देखा कि 214 ऐसे केस थे जिसमें से 170 केसेस माओ ने फाइल किए और जो 43% केसेस में उन्होंने देखा. इट टर्न्स आउट द चाइल्ड चोज टू मेक द डिस्क्लोजर अबाउट द अब्यूज टू द मदर इन एंड मैनी एज 279 केसेस. 279 केसेस में ऐसा हुआ कि जो बच्चे ने जिसके साथ अब्यूज हुआ उसने अपनी माँ को अपने उस इंफॉर्मेशन को साझा किया, ना कि किसी और से. नाउ एंड मदर वॉज द वन टू इन्फॉर्म द पुलिस इन 235 केसेस. और 279 केसेस में से 235 केसेस में माओ ने पुलिस को बताया. इसमें भी कुछ डेटा कम है, देखिए कुछ माओ ने नहीं भी किया, बट फिर भी 235 इज अ गुड नंबर. द डिस्क्लोजर वॉज मेड टू द फादर इन जस्ट 39 केसेस. और सिर्फ 39 केसेस में जिनके साथ, जिन बच्चों साथ अब्यूज हुआ उसमें से 39 केसेस में उन लोगों ने, उन बच्चों ने अपने पिता को बताया. ही वॉज द इन्फॉर्मेंट इन 53 केसेज एंड द कंप्लेनेंट इन 59 केसेस. और जबकि उन केसेस में 50 और ही वॉज द इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेशन देने वाले कितने थे, 53 केसेस थे और कंप्लेन वाले सिर्फ 59 केसेस थे. कभी कभी इन्फॉर्मेशन, देखिए कंप्लेन करना एक अलग चीज है और इन्फॉर्मेशन देना अलग चीज है. कंप्लेन का मतलब FIR,
अगर आप कंप्लेन करेंगे पुलिस में जाके तरीके से, तो आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर में एफआईआर में पुलिस आपकी एफआईआर लॉन्च करेगी। पर कभी कभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाले केसेस भी होते हैं, उसका डेटा बता रहे हैं 53 केसेस ऐसे हैं। द एनालिसिस फर्दर हाईलाइट्स दैट केसेस ऑफ इंसेस्ट अब्यूज बाय फादर कंप्राइजेस 11% ऑफ ऑल केसेस। उन्होंने एक एनालिसिस के हिसाब से बताया जो उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं फर्दर कि अब्यूज इंसेस्ट बहुत ही रिग्रेस अब्यूज में फादर कंप्राइजेस 11%, जिसमें पिता के जो के होने के 11% केसेस मिले 4498 में से 54। इट टर्न्स आउट दैट इन सच केसेस द मदर हैज बीन द इन्फॉर्मेंट इन 44%, जिसमें से माओ ने 44% केसेस, 24 केसेस में माओ ने इन्फॉर्मेशन दी एंड द कंप्लेन हुई 14 केसेस में। इन रेस्ट ऑफ द केसेस द चाइल्ड इज द प्राइमरी कंप्लेनेंट, और बाकी केसेस में बच्चे ने प्राइमरी कंप्लेन करी जाकर के, ठीक है। द डेटा ऑल्सो शो ओनली इन 3% जिसमें है जो 17% 3% केसेस है, जिसमें 17 ऐसे केस है केसेस द इन्फॉर्मेशन टू पुलिस इज गिवन बाय एनजीओज इंक्लूडिंग चाइल्ड लाइन एंड शेल्टर होम स्टाफ। अब देखिए ऐसे उन्होंने बोला कि सिर्फ 14 माय मिस्टेक बाकी केसेस में बच्चों ने इन्फॉर्म किया, कंप्लेन किया, कैसे किया होगा ऐसे, क्योंकि जो कुछ तो एनजीओ के मार्फत हुआ, कुछ चाइल्ड लाइन के जो नंबर है इंक्लूडिंग चाइल्ड लाइन नंबर उससे हुआ, और कुछ में शेल्टर होम स्टाफ ने, जहां बच्चे अनाथालयों में जो बच्चे रहते हैं वहां पे काम करने वालों ने इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि कुछ केसेस में बच्चे खुद भी इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं, वहां पे कुछ ऐसे भगवान के बंदे होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। डेटा हाईलाइट्स अमंग वेरियस कंसर्न्स द स्ट्रगल्स ऑफ मदर हु हैव बीन फाइटिंग द ऑड्स। Case studies show how some turned hostile in the face of family pressure and there were other holding on even as the family turned their back on them and the survivor child. ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने odd situations में उन्होंने लड़ा है, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनके अगेंस्ट फैमिली वाले चले गए तब भी वो अपने बच्चे की सहूलियत के लिए लड़ाई करती नहीं है और वो जो बच्चा सर्वाइवर है उसके साथ लड़ती नहीं है। However, the numbers also show that the trial process is marked by many challenges, especially in incest abuse cases. Out of 11 disposed cases of incest abuse, 4 ended in acquittal. So, जिसमें acquittal का मतलब होता है मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना acquittal, और incest abuse में जो केसेस होते हैं और इंसेस्ट अब्यूज का मतलब होता है कि एक ही परिवार में जब कोई अब्यूज किसी बच्चे के साथ होता है, जैसे भाई बहन या परिवार के किसी सदस्य में आपस में अब्यूज होता है उसकी बात हो रही है, तो जो इंसेस्ट अब्यूज में बोल रहे हैं कि स्पेशली इंसेस्ट अब्यूज केसेस आउट ऑफ 11 डिस्पोज्ड केसेस ऑफ इंसेस्ट अब्यूज 4 एंडेड एक्विटल। जो 11 डिस्पोज केसेस होते थे जो जिनको बाद में डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया या इमटेरियल कर दिया गया, उसमें से 4 ऐसे केसेस हैं जहां पे जो भी कम जिसके अगेंस्ट कंप्लेन की गई है उसमें एक्विटल या फिर विमुक्त हो जाता है या रिहाई हो जाती है। इट मीन्स अ पर्सन इज नॉट गिल्टी। इन 3 केसेस द मदर हु वाज बोथ द इन्फॉर्मेंट एंड द कंप्लेनेंट टर्न हॉस्टाइल एंड इन द 4th case there were discrepancies found in the statement of the mother and the child. ठीक है, so ये जो comment जो ये double apostrophe में था, ये statement है कि जिसमें वो बोल रहे हैं कि 11 केसेस में 11 जो incest केसेस में 4 को तो 4 में तो रिहाई हो गई, गिल्टी नहीं हो पाया कोई। इन 3 केसेस द मदर हु वॉज बोथ द इन्फॉर्मेंट एंड द कंप्लेनेंट टर्न्ड हॉस्टाइल, उसमें से जिसमें से बाकी 3 केसेस में जिसमें माँ ने कंप्लेन की थी वो भी हॉस्टाइल हो गई, कि उन्होंने भी उस चीज को एक्सेप्ट किया या बाद में मुकर जाना, ऐसे मान लीजिए हॉस्टाइल का मतलब यहाँ पे ले रहे हैं मतलब विरोध कर गई उसमें हॉस्टाइल। एंड इन द 4th केस देयर वाज डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन द स्टेटमेंट ऑफ द मदर, और बाकी जो 4th केसेस में से क्या हुआ बाद में माँ की जो स्टेटमेंट है उसमें डिस्क्रिपेंसी आ गई ऑफ द चाइल्ड। इस तरीके से केसेस का डिटेलिंग वाल दी जाती है जो रियल टाइम एनालिसिस बताई जा रही है। भारती अली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HAQ सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स said, emphasizing the need to support family members who dare to speak up for the child. She said the holding up emotionally through the trial in cases of incest abuse is the most challenging part for the complaint.
ऑब्वियसली जहां परिवार के सदस्यों ने ही अब्यूज किया हो उसके अगेंस्ट बोलना बहुत ही मुश्किल काम है। अ केस इन पॉइंट टू जर्नी ऑफ गर्ल हु वाज अब्यूज फॉर नियरली 6 to 8 months। एक केस की बात हो रही है, केस इन पॉइंट इन जर्नी ऑफ अ गर्ल हु अब्यूज फॉर नियरली 6 to 8 months बाय हर ओन फादर व्हेन शी वाज 15। सुहानी नेम चेंज अ रेजिडेंट ऑफ अ रीसेटलमेंट कॉलोनी इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सफर्ड इन साइलेंस आउट ऑफ फियर ऑफ हर फादर। द ट्रूथ ओनली केम टू लाइट व्हेन सुहानी कंप्लेन्ड ऑफ स्टमक पेन ऑफ हर मदर टू हर मदर एंड अ मेडिकल चेकअप रिवील दैट शी वॉज 6 months प्रेगनेंट। सो उसको पहले अब्यूज हुआ, उसके बाद जब चेकअप हुआ तो पता चला उसकी माँ को, जब उसने बताया कि उसकी पेट में दिक्कत है तो वो शी वॉज 6 months प्रेगनेंट। वेन सुहानीज मदर हु वर्कड एज अ डोमेस्टिक वर्कर informed her parents in law about the abuse and said that she will file a complaint. Her husband's family threatened to kill her and the girl. उनके उसके परिवार ने उसके जो ससुराल वालों ने उसको मारने की उसकी बच्ची को मारने की धमकी दी undeterred the mother filed a case in 2019 और बाद में 2019 में उसकी माँ ने केस फाइल किया but ended up losing her job. उसकी जॉब चली गई and was thrown out of the house along with Suhani and was left with no choice but to seek refuge in her parents house. और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था जहाँ पे उसको सिर्फ अपने माता पिता के घर में रेफ्यूज की तरह या अपने माता पिता के घर में उनको जगह मिली रहने के लिए एज ए रेफ्यूज और शरण मिले उनको अपने माता पिता के घर में। सो ये एक आर्टिकल था जहाँ पे हमने ये समझा कि जो माए स्टेप्स लेती हैं उनको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं, कितने केस रियल में टर्न आउट होते हैं, कितने एक्विटल हो जाते हैं, कहीं कहीं हमें हमारे ही कहे वो चीजों में डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, कभी कभी कुछ केसेस में और भी चीजें निकल के आती हैं जहाँ वो केस सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया जहाँ माँ एक फाइट लेती है अपने बच्चे के लिए, और ये अधिकतर इंसेस्ट जो वर्ड यूज किया गया है इंसेस्ट अब्यूज में ऐसी देखा गया है कि माँ आज नहीं तो कल बढ़ चढ़ के आती है सामने और अपने बच्चे के अगेंस्ट जाके अपने बच्चे के सपोर्ट में और अपने फैमिली मेंबर के अगेंस्ट जाके लड़ाई करती है, जो इस पूरे आर्टिकल का जिस्ट है। क्योंकि पॉसो के 10 साल हो चुके हैं तो एक डेटा HAQ एक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स एंड ड्वेल्स चाइल्ड राइट ड्वेल्स है, उन्होंने इस डेटा को रिलीज किया और टाइम्स ऑफ इंडिया से शेयर किया और मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। सो इस आर्टिकल से हमको समझने ये चाहिए कि हम सबको विजिलेंट रहना है, एक्टिव रहना है, आसपास अगर किसी तरह का कोई अब्यूज हो तो कभी उसमें ये नहीं सोचना कि हमें किससे बोलना है किससे नहीं बोलना है, उसको रिपोर्ट करिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे जिस सोसाइटी में रहते हैं हम ही को उसको आगे लेके जाना है। सो अगर आज हम स्टेप उठाएंगे तो आगे कोई ना कोई मिलकर हमारे साथ आगे हमसे जुड़ेगा और वो एक लंबा रास्ता तय होगा जो होना चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू गिव मी अ बिग थम्स अप, इफ यू रियली लाइक इट गिव मी अ कमेंट बैक। और इसके अलावा मैंने अब एक नई पहल शुरू करी है जिसमें मैं अपने चैनल पे डेली न्यूज एनालिसिस डालूंगी और द हिंदू की एडिटोरियल भी एनालाइज करके आपको दूंगी और आप उसको अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये आर्टिकल बहुत हेल्पफुल है ऐसे राइटिंग में और डेटा कलेक्शन डेटा जहां मेंशन करना उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। यू कैन यूज दिस वीडियो एज वेल। सो अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है, मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है, सो डू गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।